इसे सिंपल चैप्टर क्यों कहूंगा मैं रिकंस्ट्रक्शन को, हमारा रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर न्यू। मॉर्निंग वाले सेशन में जितने बच्चे लाइव क्लास में भी जुड़े हैं, तो मॉर्निंग वाले सेशन में मैं आप सभी को रिकंस्ट्रक्शन करवाऊंगा, मतलब कि एक अलग चैप्टर। अभी तो रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रहा है, एक अलग चैप्टर करेंगे और जैसे जैसे चैप्टर होगा, और इवनिंग वाले जो सेशन में हम क्लास लेते हैं लाइव, उसके अंदर हमारा अलग चैप्टर रहेगा, थोड़ा दो दो चैप्टर रहेगा बैलेंस करके। और मैं चैप्टर ऐसा पिक करूंगा इसमें कि आपको दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत नहीं आने वाली मीन्स मतलब कि एक जगह पे आसान चैप्टर और एक जगह पे थोड़ा सा टफ चैप्टर, ताकि आपका होमवर्क क्या हो पाए, बैलेंस हो जाए। समझ गए बात? तो ये चैप्टर बहुत आसान है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है समझते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड एक कंपनी है। इस कंपनी की बैलेंस शीट, इक्विटी शेयर कैपिटल मान लो 5 लाख रुपए का, डिबेंचर मान लो 10 लाख रुपए का, क्रेडिटर मान लेते हैं 20 लाख रुपए का, डेटर मान लेते हैं 7 लाख रुपए, कैश 3 लाख रुपए, फिक्स एसेट्स मान लेते हैं 5 लाख, एंड लॉस बीस लाख। टोटल हो गए बराबर, चेक करो। एक बैलेंस शीट बनाया हमने, 5, 15, 35 और 35, ये बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट को देख के आप सभी को कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा, कंपनी के हालात के बारे में थोड़ा सा जज तो कर ही सकते, इतना तो सीख ही लिया हमने। तो आपको कैसा लग रहा है, कंपनी हेल्दी है, हेल्दी का मतलब, या बेकार है? लॉस चल रहा है भाई, ये कंपनी तो बेकार है। धीरे धीरे इस कंपनी के हालात क्या होंगे, और बेकार होगा। जब कोई बीमार पड़ जाता है, एक तरीके से मान लो इस बैलेंस शीट, इस कंपनी को बीमारी है, और कैंसर बीमारी मान लो, ठीक है ना, जो कि जाएगा नहीं, धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और एक दिन कंपनी लॉ बोर्ड के एक्स वाई जेड लिमिटेड नाम का कोई कंपनी नहीं बचेगा। और कंपनी डूब जाए चिंता नहीं है, ये दो बेचारे ये डेली मंदिर जाते होंगे, कंपनी ना डूबे, है कि नहीं? क्योंकि कंपनी का एसेट्स बर्बाद हो जाए, डेटर पैसा दे ना दे, फिक्स एसेट्स, इक्विटी शेयर बर्बाद हो जाए, क्योंकि ये तो ऑनर है, इनको फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा टेंशन इनको होगी, ये सोचे यार कंपनी बंद हो गई तो हमारा 20 लाख रुपए फंसा हुआ है कंपनी में, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारा 10 लाख रुपए फंसा हुआ है, जो पब्लिक है वो बोलेगी। इक्विटी शेयर होल्डर तो मालिक है, हमने तो बोल के दिया था रिस्क होता है, ठीक है। तो आप सभी का मानना है कि सर ये कंपनी जो है बहुत जल्दी डूब सकती है। तो कई बार जैसे मैंने बोला कि कैंसर बीमारी है इस बैलेंस शीट को, तो कई बार जहां बीमारी होता है ना, उस बीमारी को ठीक करने के लिए जिस हिस्से में बीमारी होता है उस हिस्से को काट के अलग कर दिया जाता है। तो सेम यहां पे जो एक्स वाई जेड कंपनी का अगर डायरेक्टर है, और डायरेक्टर जो है वो चालाक है, वो सभी को बुला के मीटिंग करेगा। पहले शेयर होल्डर को बुलाएगा कि आ जाओ भाई, कंपनी डूब रही है, आप सभी के पैसे भी जाने वाले हैं। डिबेंचर और क्रेडिटर को भी बुलाएगा, भाई देख लो कंपनी डूब जाएगी, तो रूल के हिसाब से
कंपनी जब डूबेगी तो जितने एसेट्स बिकेंगे वो सारे तुम्हें ही मिलेंगे, लेकिन तुम्हें पूरा नहीं मिल पाएगा। मैं सच्चाई बता देता हूँ, डेटर है इसमें से आधे डेटर वो है जो पैसे नहीं देंगे। कैश पड़ा हुआ है 3 लाख ही है। फिक्स एसेट्स जो हमारे पास है वो फिक्स एसेट्स मान लो डिस्प्यूटेबल है, जो कि बिकेगा नहीं, लॉस को कुछ कर नहीं सकते। तो अल्टीमेटली यहाँ से 3-4 लाख रुपए मिलेंगे और वही दे पाऊँगा तुम्हें, कंपनी बंद हो जाएगी और जो शेयर होल्डर है उसे तो कुछ मिलेगा नहीं, सबसे बुला के बात करेगी। और कंपनी एक तरीके से ना बहुत ज़्यादा मतलब के दबाव में है, और वो सबसे बड़ा दबाव क्या दिख रहा है आपको कंपनी के ऊपर? अगर मैं बोलूँ ना इस बैलेंस शीट में से कुछ चीज़ें निकाल के बाहर फेंक दूँ ना मैं, आप बताइएगा, ध्यान से सोचिए, इस बैलेंस शीट में से कुछ चीज़ें अगर निकाल के मैं बाहर फेंक दूँ तो बैलेंस शीट थोड़ी सी बेटर हो जाएगी, हल्की बैलेंस शीट और बढ़िया, और शायद कंपनी बहुत अच्छे से रिवाइवल कर पाए। एक तो निकाल के बाहर कर दो, थोड़ा सा कंपनी को राहत की, अब तो लॉस नहीं है, चलो काम करेंगे। दूसरा, क्योंकि इनको ब्याज देना पड़ता है ना, तो हम डिबेंचर होल्डर को बुलाएंगे, बोलेंगे भाई इधर सुन, क्योंकि प्रॉब्लम यही है, डिबेंचर होल्डर को बुलाएंगे, इधर सुन तेरे कितने बाकी है, 10 लाख, हम तुम्हें 10 लाख रुपए नहीं दे रहे, हम तो वैसे एक भी पैसे नहीं देंगे तुम्हें क्योंकि कंपनी डूब जाएगी, जो 1-2 लाख मिलेगा, मैंने डिसाइड किया है कि हम आपको 7 लाख भविष्य में दें, फ्यूचर में 7 लाख दें। डिबेंचर होल्डर बोलेगा भाई क्यों, हमारे बाकी कितने हैं, 10 लाख, तो 7 लाख क्यों दोगा? बोला देखो अगर आपको चाहिए तो 1 साल और टिकेगी, ये कंपनी बंद हो जाएगी तो आपको 4 ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा मिलेगा नहीं। अब 7 बेहतर है या 4 बेहतर है देख लो आप, तो डिबेंचर होल्डर क्या सोचेगा, 7 बेहतर है भाई, चलो 7 ही देना, चलाओ कंपनी चलाओ, हम आपके साथ हैं। क्रेडिटर को बुलाया, बोला भाई इधर आओ, तुम्हें हम देंगे 3 लाख। बोला 20 लाख का 3 लाख करोगे, अगले साल कंपनी डूबेगी, कुछ नहीं मिलेगा, अब तुम्हें 0 चाहिए या 3 लाख में तुम खुश रहोगे? तो ये किस किस में मानेगा, 3 लाख, ये बोलेगा 3 लाख रुपए में, समझ रहे हो बात को? इक्विटी शेयर होल्डर को बुलाएंगे, बोलेंगे भाई 10 रुपये फेस वैल्यू नहीं मिलेगा तुम्हें, अब तुम भी अपना कुछ पार्ट हिस्सा छोड़ दो, तुम्हारे कितने हैं, 5 लाख है, तुम्हें भी 2 लाख कर रहे हैं हम, इक्विटी वाले को भी क्या कर दिया, 2 लाख, ये डिबेंचर है, ये क्रेडिटर है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये कर दिया मैंने, यहाँ समझ में आ रही है बात आपको? जब हमने इस तरीके से करा तो करने के बाद एक आप फ्रेश बैलेंस शीट बना सकते हो यहाँ पे, है ना। फ्रेश बैलेंस शीट बनाऊं अगर मैं आपके सामने जो काम मैंने किया है इसको करने के बाद फ्रेश बैलेंस शीट बनाऊं तो इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे, 2 लाख, डिबेंचर 7 लाख, क्रेडिटर 3 लाख, इधर डेटर 7 लाख, कैश 3 लाख, और फिक्स एसेट्स 5 लाख। लॉस तो नहीं रहेगा, लॉस खत्म कर देते हैं, तो इधर का टोटल क्या हो गया, 12 लाख, इधर का टोटल क्या हो रहा है, और डेटर को भी प्रोविजन वगैरह हमने बना लिया, डेटर का भी लिख लेते हैं। डेटर को भी मैंने क्या बोला कि भाई 3 लाख डेटर कम हो गए हमारे, हम सच्चाई पे चलेंगे, डेटर 3 लाख वो हैं जो पैसे नहीं देंगे, रिड्यूस हो जाएगा, प्रोविजन बना लिया, तो इसका मतलब अब डेटर कितना दिखाना चाहिए, 4 लाख, कितने हो गए, 12 लाख। ये भी XYZ लिमिटेड है और ये भी आपके सामने XYZ लिमिटेड है, दोनों कंपनी में से बैंकर के पास अगर मैं बैलेंस शीट लेके जाऊं तो दोबारा लोन किसको मिलेगा, इस वाले को मिल जाएगा, ठीक है, इक्विटी भी ठीक है, डेटर लाइबिलिटी, डेटर एसेट्स वेसेट्स ठीक है, कम से कम लॉस वॉस तो नहीं है, तो आप देख पाओगे कि इस कंपनी से बेहतर कंपनी ये है। करा कुछ नहीं है, बस कुछ लोगों से हमने क्या करी, बातचीत करी, समझ में आए, तो ये कंपनी बेटर है। अब इसको लोन भी मिलेगा
और ये कंपनी थोड़ा सा अपने आप में कॉन्फिडेंस भी फील करेगा कि अब लॉस भी नहीं है, टेंशन नहीं है, डिबेंचर भी कम होगा एक क्रेडिटर, और फिर दोबारा से बहुत अच्छे से काम करेगा इसका। जैसे कि एग्जांपल बहुत सारी कंपनी ऐसे हुई है, जैसे आप मान लो वोडाफोन और आइडिया, पहले आइडिया मरी गया था, फिर उन्होंने क्या करा, अपनी कंपनी को एमलगमेट करा, फिर दोबारा जोश में आई VI के नाम से। तो जैसे ही कोई कंपनी न्यू इस तरीके से होगा, अगर इस तरीके से काम, और फिर वो दोबारा क्या करेगी, फुल परफॉर्मेंस कैपेसिटी में उसके सारे डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर फिर लग जाएंगे। चैप्टर का नाम है री, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनाना, और री का मतलब होता है दोबारा। हमें दोबारा बनाना है मकान नहीं, बैलेंस शीट। यहां पे क्या बनाना है हमें, बैलेंस शीट। तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, तो हम बोल सकते हैं हमारी कंपनी का एक कायाकल्प, एक न्यू फॉर्मेट में फॉर्मेशन हो चुका है। तो ऐसे सिचुएशन को बोला जाता है रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन ऐसा काम करने के लिए हमें स्पेशली कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मान लो अगर कोर्ट का अप्रूवल नहीं लेंगे तो क्या होगा, सोचो, क्योंकि सब करने लग जाएंगे, भाई आ जा डिबेंचर इधर आ, दम हर कोई क्या करेगा, डिबेंचर क्रेडिटर से पहले पैसे तो ले लेंगे, फिर उसे डराने धमकाने लगेंगे, देख डूब जाएगी, मान जा तू जल्दी से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोर्ट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, और कोर्ट का अप्रूवल लेते ही हम सभी को इनको लेटर भी दिखाएंगे, कोर्ट ने भी सेंक्शन कर दिया है हमारी, क्योंकि एक्चुअल जब कोर्ट अप्रूवल देगा तो डेफिनेटली कोर्ट इनके ऊपर ऑडिटर बिठाएगा, स्पेशल ऑडिटर। ऑडिटर जब इस बैलेंस शीट को रिव्यू करेगा, वो अपना रिपोर्ट देगा, वाकई में इस कंपनी की हालात ख़राब है, फिर कोर्ट बोलेगा जाओ रिकंस्ट्रक्शन कर लो। तो रिकंस्ट्रक्शन करने से इस कंपनी से इस कंपनी बनने में इसको फ़ायदा हो गया, हमें जो बैलेंस शीट बनानी है अब इस कंपनी की नहीं बनानी। आपने एक नई बैलेंस शीट बना ली, हमसे एग्जामिनर यही बोलेगा आप नई बैलेंस शीट बनाइए। तो ये बैलेंस शीट जो बनाया है मैंने, वो बनाया आपका पुराना मेथड देसी स्टाइल में। अब जो बनाएंगे कौन सा बनाएंगे, जो हमारा कंपनीज एक्ट का बैलेंस शीट चलता है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले आएगा लाइबिलिटी इक्विटी एंड फिर नीचे एसेट्स, पूरा फॉर्मेट में नोट्स वाला। दूसरा, जब इस कंपनी से इस कंपनी में बना तो कंपनी का फायदा हुआ है, फायदा हुआ ना कितना, डिबेंचर के पॉइंट से कितना फायदा हो गया, 10 था अब आ गया 3, तो 3 का फायदा 7, 3 का फायदा हुआ ना, इसमें कितना फायदा हुआ, 17। यहां पे नुकसान हो गया कितने का, 3 लाख का, और ये भी लॉस हमारा राइट ऑफ हो गया। लॉस को बोलते हैं राइट ऑफ हो जाना। तो कंपनी के अंदर ऐसा भी कोई एसेट्स होगा ना, ये तो लॉस है, आपको पता है लॉस का कुछ काम नहीं है। लॉस के साथ साथ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मिलेगा आपको, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के साथ साथ आपको मे बी हो सकता है कि और भी कोई फिक्टीसियस एसेट्स मिले, जैसे गुडविल मिल जाता है कई बार। तो ऐसे सिचुएशन में उन सभी को राइट ऑफ कर दिया जाता है, मतलब जीरो कर दिया जाता है। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हम सीखते आए हैं, आप बताओ, आपने बोला सर इक्विटी शेयर से फ़ायदा हुआ है, तो मुझे साफ साफ बताना, एक सिंपल सी बात बताना, इक्विटी शेयर से फ़ायदा हुआ है तो फ़ायदे में यानी इक्विटी शेयर रिड्यूस हुआ है, कम हुआ है, अगर इक्विटी शेयर कम हुआ है तभी तो फ़ायदा हुआ है, हाँ या ना, तभी फायदा हुआ है। इक्विटी शेयर लाइबिलिटी है क्रेडिट, और क्रेडिट वाली चीज को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट, कितने का फायदा, 3 लाख का फायदा। और टू, अब P&L ना लिख के हम लिखेंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहां पे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या फिर रिडक्शन अकाउंट, दो वर्ड होता है, या रिकंस्ट्रक्शन कर दो या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कर देते हैं। तो मैं रिकंस्ट्रक्शन लिख देता हूं, लो जी जर्नल एंट्री हो गई। बीइंग क्या लिखेंगे बताओ, बीइंग लिखेंगे इक्विटी शेयर रिड्यूस, जो रिड्यूस हो गया हमारा कितने से, बाय 3 लाख, इक्विटी शेयर रिड्यूस बाय, ये हो जाएगा क्या, बीइंग। हम अभी करेंगे क्वेश्चन तो पूरा देखेंगे, पहले समझ में आया, इसका मतलब सिंपल सी बात है, अगर रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट हो रहा है तो फायदा है, और रिकंस्ट्रक्शन अगर डेबिट हो रहा होगा तो नुकसान। समझ रहे हो बात को, चलो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, आप दिमाग लगा के करके दिखाओ, हर कोई जवाब दे मुझे कमेंट में भी कि इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर रिड्यूस हुआ है, क्या होना चाहिए आपके दिमाग से, डिबेंचर अकाउंट
अब बताइए कैसे करें, टू रिकंस्ट्रक्शन, अमाउंट भी बता दो। चलो 3 लाख, सीख गए आप तो ये, इसमें यही है टॉपिक, बस डिबेंचर को कैसे रिड्यूस करना है वो थोड़ा लैंग्वेज है, बाकी चैप्टर में कुछ नहीं है। लेकिन हम शुरू से एंड तक पूरे अच्छे से करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा ये, है ना। थीम समझ में आ रहा है क्या चैप्टर का, कि हमारे बहुत सारे एसेट्स होंगे यानी पहले से एक बैलेंस शीट हमें गिवन होगा और उसमें एसेट्स लाइबिलिटी भी होगा। उस लाइबिलिटी के लिए क्वेश्चन कुछ ना कुछ बोलेगा, क्या बोलेगा, एडजस्टमेंट बोलेगा, कि उस लाइबिलिटी में से कौन कौन सी लाइबिलिटी घट रहा है, या ऐसा भी पॉसिबल है कि बढ़ भी सकता है, कुछ लाइबिलिटी घट रहा है कुछ लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो जो घट रहा होगा बढ़ रहा होगा उसको जर्नल एंट्री पास आउट करेंगे, वो जर्नल एंट्री किससे पास आउट करेंगे, किस फॉर्मेट में, रिकंस्ट्रक्शन में। तो रिकंस्ट्रक्शन थ्रू डिबेंचर एकता का आंसर ठीक आ गया। अब क्रेडिटर की बात करें, नहीं रिकंस्ट्रक्शन टू डिबेंचर गलत है ये जवाब, होगा डिबेंचर टू रिकंस्ट्रक्शन। अब क्रेडिटर की बात करें, क्रेडिटर कम हुआ है, बताओ एंट्री क्या होगा, क्रेडिटर कम हुआ है तो क्या होगा, क्रेडिटर टू रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट 17 लाख, बीइंग क्या होगा, क्रेडिटर रिड्यूस बाय 17 लाख, इसका डिबेंचर रिड्यूस, यहाँ पे इक्विटी शेयर रिड्यूस, और थोड़े थोड़े जो मतलब प्रॉपर बीइंग होगा जब क्वेश्चन करेंगे ना बुक का तो हम लिख लेंगे उस टाइम पे। पहले मोटा मोटा थीम तो समझ में आ गया। चलिए अब इसका कौन बताएगा, मुझे डेटर को मैंने रिड्यूस किया था, इसकी जर्नल एंट्री कौन बताएगा, रिकंस्ट्रक्शन टू, इसका होगा रिकंस्ट्रक्शन टू डेटर, और कितने रुपए का होगा, ये बहुत जरूरी है ये चैप्टर आप लोगों के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर जितने स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं, आप स्टार्टअप में देख लो, ऑनलाइन में भी देख लो, बहुत सारे आ रहे हैं, और आप सबके बारे में क्या सुन रहे होंगे कि लॉस में ही है। तो कहीं ना कहीं अगर हम डेप्थ और बेस में देखें ना, तो ये खोखली कंपनी है, चाहे आप जोमेटो उठा लो, स्विगी उठा लो, पेटीएम उठा लो, ये सब किस में है, लॉस में है। इनको रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा एक दिन, अगर रिकंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे ना एक दिन ये, तो ये कंपनी बंद हो जाएगी बहुत जल्दी, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो। तो जितने भी स्टार्टअप है तो उन सभी कंपनी को ये रिकंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा एक दिन। तो यानी ये रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम आने वाला चैप्टर है, जिसके अंदर हमें कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन करना आना चाहिए। तो और रिकंस्ट्रक्शन है यहाँ, इसको एक और नाम से जानते हैं, एमलगमेशन, इंटरनल एमलगमेशन के नाम से जानते हैं। दो एमलगमेशन होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, इसके बाद हम एक्सटर्नल एमलगमेशन पे जाएंगे। ये कौन सा एमलगमेशन माना जाएगा, इंटरनल। तो या तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी कह लो इस चैप्टर को, या फिर इंटरनल एमलगमेशन। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। तो इसकी एंट्री आपने बताया, सर रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट करिए क्योंकि नुकसान है टू डेटर, और सर इसकी भी तो एंट्री होनी चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू लॉस, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू लॉस। समझ में आया, तो एक बार फटाफट से इस चैप्टर का थीम आप भी नोट करिए, एक पुरानी बैलेंस शीट बनाना, और कोशिश करना जो जो मैंने चीज़ें चेंजेस की हैं इसको अलग पेन से कर देना, ठीक है ना, क्योंकि जब आप नोटिंग करोगे ना तो अपने लैंग्वेज में जरूर कुछ ना कुछ लिखा करो, याद रहे, और उसके नीचे फटाफट ये जर्नल एंट्री करना। तो सिंपल सी बात है, एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, पहले आपको पूरा पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यानी आपसे जर्नल एंट्री बोला जाएगा, आपसे नई बैलेंस शीट बोला जाएगा, और साथ के साथ एक और अकाउंट बनाने को बोला जाएगा जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, और वो बहुत आसान अकाउंट है। और सिंपल सी बात करूं तो उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट जैसे बनाते थे 12th में, उसी को बोला गया यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस साइड को मिटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट आपके लिए बनाता हूँ। चैप्टर तो बहुत आसान है ये, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाया मैंने, ये डेबिट है,
और ये डेबिट में क्या होता है? लॉस। क्रेडिट में क्या होता है? फायदा। आप एसेट्स और लाइबिलिटी को जब रीवैल्यूएशन कर रहे हो तो लॉस और फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? तो सबसे पहले बताओ इक्विटी शेयर से क्या हुआ? फायदा। तो किधर जाना चाहिए? इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना फायदा? 3 लाख। डिबेंचर से क्या हुआ? फायदा। कहाँ जाना चाहिए? तीन लाख। ठीक है, डिबेंचर से फायदा हुआ, डिबेंचर कितने का? 3 लाख। क्रेडिटर से भी फायदा हुआ, कितने? 17 लाख। इसके बाद डेटर से क्या हुआ? नुकसान। किधर जाना चाहिए? डेटर 3 लाख। कैश में कुछ भी नहीं हुआ, फिक्स एसेट्स में लॉस, ये भी एक तरीके से है लॉस, 20 लाख। अब टोटल करके चेक करेंगे कितना बन रहा है, 17, 3, 20, 23 और 23। इत्तफाकन ये दोनों साइड क्या हो गया? सेम। कई बार डिफरेंस भी तो आ सकता है, तो अगर मान लेते हैं डिफरेंस आया इस साइड, तो उस एंट्री को अगर डिफरेंस आया इस साइड तो उसको मैच करेंगे कैपिटल रिजर्व से। किससे मैच करेंगे? हम लिख लेना ये सर, कैपिटल रिजर्व से क्यों मैच करेंगे? लॉजिक समझो, इस साइड डिफरेंस आने का लॉजिक क्या हो सकता है कि आपको फायदा ज्यादा हुआ और नुकसान, लेट सपोज अज्यूम के लॉस हमारा 19 लाख होता, अजम्पशन लेते हैं लॉस क्या होता हमारा 19 लाख, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या पाते कि इधर का टोटल 23 लाख कमाई होगी, नुकसान तो 22 ही हुआ तो फायदा हो गया। तो जब कभी भी कंपनी में किसी एसेट्स और लाइबिलिटी को बेचने के बाद फायदा होता है तो प्रॉफिट है, बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट पी एंड एल में जाता है, लेकिन एसेट से होने वाला प्रॉफिट कहां चले जाता है? कैपिटल रिजर्व में। दैट्स वाई यहां पे क्या जाएगा? कैपिटल रिजर्व 1 लाख। मैं एग्जांपल ले रहा था, लेकिन ऐसे मेरे वाले क्वेश्चन में हुआ क्या है? मेरे वाले क्वेश्चन में दोनों साइड क्या हो गया? आपके साथ ऐसा क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में, बराबर आ गया। तो कोई लॉस कोई फायदा, अगर होता कोई डिफरेंस तो उसको किससे मैच करते? कैपिटल रिजर्व से। ठीक है ना सर? ऐसे क्या इस साइड भी हो सकता है कोई? बिल्कुल होगा इस साइड। और अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड में जो भी डिफरेंस आएगा हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन के थ्रू बताएगा कि इधर क्या लिखना चाहिए आपको। समझ में आई बात आपको? तो इधर आएगा कैपिटल रिजर्व। अब इसकी जनरल एंट्री भी करनी पड़ेगी सर। मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहां 50,000 डिफरेंस निकल रहा है, तो जनरल एंट्री करेंगे। तो जनरल एंट्री क्या करेंगे? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट से ही फायदा हो रहा है और कैपिटल रिजर्व फायदा है, तो कहां चले जाएगा? क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बन गया? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। समझ रहे हो? यानी सब कुछ करने के बाद एक एंट्री बच्चा भूल जाता है ये वाला करना, और अगर दोनों साइड बराबर आ रहा हो तो ये वाली एंट्री नहीं होगी। समझ में आ गया बात आपको? एक बार ये फटाफट रिकंस्ट्रक्शन भी बना लीजिए, फिर बुक के क्वेश्चन पे आएंगे हम। हाँ, मर्जी है, टू और बाय का अब थोड़ा सा ट्रेंड खत्म भी हो गया है, तो आपकी मर्जी है, टू बाय एग्जाम में लिखिए या मत लिखिए। हम जो टॉपिक सीख रहे हैं, क्वेश्चन सीख रहे हैं, हमने अभी करा, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो आपके बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1, हेडिंग में कुछ गिवन है, हेडिंग को ध्यान ना दे, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा। शेयर होल्डर फंड दे रखा है, शेयर कैपिटल दे रखा है, इक्विटी 10 रुपये का एक, प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का एक है, रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ अमाउंट है, और नॉन करंट लाइबिलिटी में गिवन है 11% डिबेंचर अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिटर में ट्रेड क्रेडिटर अदर एसेट्स दे रखा है, और पीछे कुछ एसेट्स भी है और इंटरेस्ट भी दे रखा है यहाँ पे, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अनसिक्योर्ड लोन, और कुछ एसेट्स भी है, टेंजिबल एसेट्स एंड अलग अलग। नीचे देखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी दे रखा है, जिसे हमें क्या कर देना है? राइट ऑफ। क्वेश्चन बोले अथवा ना बोले हम राइट ऑफ कर देंगे, बाकी हर बार क्वेश्चन बोलेगा। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड एक्सेट्रा, गुडविल भी दे रखा है हमें। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या कहता है। आ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन एग्रीड अमंग द शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर एंड अप्रूव्ड बाय द कोर्ट द फॉलोइंग साइलेंट फीचर। समझ में आया इस लाइन का मतलब? इस लाइन का मतलब क्या है? जो हमने बताया था ना, शेयर होल्डर से बात करा, क्रेडिटर से बात करा, उन सभी ने बोला भाई करो रिकंस्ट्रक्शन, और इस बात को कोर्ट ने भी क्या कर दिया? अप्रूव्ड कर दिया है। ठीक है, कहता है इक्विटी शेयर आर टू बी रिड्यूस टू 3 फुल्ली पेड अप।
कहता है भाई इक्विटी शेयर को 10 रुपये वाला है ना, उसको 3 रुपये कर दो। समझ में आई बात? पहली एंट्री एक एक करके पढ़ता जाऊंगा और करता जाऊंगा। फर्स्ट एडजस्टमेंट के लिए एंट्री कर रहा हूं, कह रहा इक्विटी शेयर जितने भी थे ना तो उसे कर दो कितने वाला, 3 वाला, रिड्यूस 2। एक होता है रिड्यूस बाय और एक होता है रिड्यूस 2। रिड्यूस 2 का मतलब अब 3 रुपये कर दो। मैं बोलूंगा अगर जैसे रिड्यूस 2 3, और अगर मैं बोलता रिड्यूस्ड बाय 3, तो इसका मतलब अब ये 3 का ही रहेगा आपके पास, और इसका मतलब अब आपके पास रहेगा 7 का। समझ में आई बात आपको? तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले तो सारे इक्विटी शेयर को डेबिट करिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड वाला पूरा डेबिट कर दीजिए सारा। और सारा अगर बैलेंस शीट में देख के बताते जाना, क्या है कितने हैं, 60,000 नंबर, 6 लाख पूरा डेबिट कर दिया। 2 में करेंगे अब न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल। और आप नंबर की बात करो, मैं बिंग में भी लिख दूंगा। नंबर की बात करें तो नंबर कितने थे पहले, 60,000 है ना। अब कितने का मिलेगा आपको नए में, 3, तो देखा जाए तो आपको मिलेगा कंपनी का हो गया फायदा 2, ₹4,20,000। बीइंग क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस 2-3 पर शेयर। समझ में आई बात आपको? बताइए कोई डाउट? पहली एंट्री डन। जिस बच्चे का डाउट है लाइव कमेंट सेशन में आप बोल सकते हैं। पहली एंट्री डन, जल्दी बता दीजिए, डाउट है तो बता दीजिए, क्योंकि मैं धीरे धीरे आगे चलूंगा, एकदम से लेके चलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। यस या नो में जवाब दे दे फटाफट। नो डाउट, ठीक है। बी पार्ट पे आ जाते हैं। बी पार्ट क्या कहता है हमारे बुक के क्वेश्चन का, 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव एग्री टू एक्सेप्ट 12% डिबेंचर एट अ फेस वैल्यू ₹1,20,000 इशू एट पार फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम। कहता है जी 9% जो डिबेंचर है प्रेफरेंस शेयर है, उसने बोला 1:20 का डिबेंचर दे दो। तो प्रेफरेंस शेयर थे कितने के, पहले उसे खत्म करो प्रेफरेंस शेयर जो भी था। दूसरी एंट्री तो हम करेंगे 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने थे 2 लाख का जी, खत्म हो गया वो तो। और वो क्या लेने को तैयार हो गया, डिबेंचर कितने परसेंट, तो 12% डिबेंचर कितने रुपए का, फुल सेटिस्फेक्शन देयर क्लेम। बोलता है भाई बस मुझे यही दे दो, बहुत है मेरे लिए। तो इसका मतलब फायदा हो गया कितने का फायदा, तो रिकंस्ट्रक्शन 80,000, बीइंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कन्वर्ट इनटू 12% डिबेंचर। दूसरी एंट्री में डाउट बताइए, कोई दिक्कत दूसरी एंट्री में, नहीं ना। तीसरी, इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन इज 40% डिस्काउंट। देखो आपको इंटरेस्ट ड्यू ना पहले से बैलेंस शीट में दे रखा है, देखिए कितने हैं हमारे इंटरेस्ट अनसिक्योर्ड डिबेंचर पे 30,000 है। कहता 40% डिस्काउंट हो गया, यानी भाई उसको हम 40% कम देंगे। और अब बात यहां पे ये भी देखना है कि पेमेंट हो रहा है नहीं हो रहा। कह रखा है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अनसिक्योर्ड डिबेंचर आपका 40% डिस्काउंट पे रहेगा, तो इसका पेमेंट हो जाएगा। तो एंट्री करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन लिखा है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा। डेबिट कितने थे हमारे बैलेंस शीट में, चेक करो 30 है ना बैलेंस शीट में, 2, 60 तो देना है, 40 छोड़ रहे हैं तो 60 देने के लिए बैंक यूज कर ले,
तो इसका 60 18,000 देंगे, इसका 60 कितने देंगे हम 18,000, और 2 बताओ रिकंस्ट्रक्शन कितने बताओ, कोई दुख तकलीफ, सिंपल है ना। बीइंग क्या लिखोगे, सेम लाइन लिखना है कि इंटरेस्ट जो था हमारा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिड्यूस बाय 40%। समझ में आई बात आपको। अगले पॉइंट पे आते हैं, कहता है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन 11% डिबेंचर पेड 50% डिस्काउंट। तो इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर 44 है, इसको पेड करेंगे 50% डिस्काउंट पे, तो एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन एक बार ये रोहित को बोल देना कि क्लास में ही है, चल रही है क्लास, आ जाएगा ना क्लास में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितने का है बताओ, 44,000, और टू बैंक और टू रिकंस्ट्रक्शन, बताओ बैंक में कितने 22,000 और रिकंस्ट्रक्शन में 22,000, क्योंकि 50% है ना, इसका बिंग नहीं लिख रहा मैं ये मान के चलूं कि आप सब लिख लोगे बिंग, ठीक है, समझ में आई बात आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते देखते देखो हम डी तक आ गए, अब ई पे आते हैं। 40% क्रेडिटर रिड्यूस टू 75%, बैलेंस 60% रिड्यूस टू 80%। देखते हैं क्या कहते हैं वर्किंग नोट। क्रेडिटर बता दो कितने हैं, क्रेडिटर बताओ कितने हैं, 1,00,000। इसको दो हिस्से में बांट दें, कहता है कि क्रेडिटर जो है 40% रिड्यूस हो गया है, तो पहले तो इसका 40% निकालो, तो 1,66 का 40% क्या होगा जी सर, 1,66 का 40% होगा 66,400, बैलेंस क्या होगा माइनस करेंगे तो 99,600। ये हो गया हमारा 40%, ये हो गया हमारा 60%। अब क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ने की टाइम आ गया है। कहता है 40% ऑफ क्रेडिटर आर टू बी रिड्यूस टू 75%, यानी जो 40% क्रेडिटर है ये 75% बच गया है, रिड्यूस टू है वर्ड, यानी कितना कम हुआ, ये यहां लेस करिए 25%। समझे बात, दोबारा पढ़ें, इसलिए मैंने वहां पे बताया था टू और बाय का इंपॉर्टेंस। टू का मतलब इतना बच गया है और बाय का मतलब इतना। अगर बोलता ना क्रेडिटर 40% क्रेडिटर रिड्यूस बाय 75%, तब यहां 75% माइनस करते हैं, समझे। तो ये अगर क्या आ रहा है ये बताइए, 16,600, बाद में देख लेंगे क्या हमारा रह जाएगा, यानी यहां से फायदा 16,600 तो पहुंच गया हमें। आगे कहता है 60% रिड्यूस टू 80%, रिड्यूस टू 80%, तो मुझे सभी बच्चे कमेंट में जवाब दें, रिड्यूस टू 80% बोला है, तो यहां कितने प्रतिशत माइनस करना चाहिए, कितने माइनस करना चाहिए, जो बच्चे लाइव में फटाफट बताएं। 20, 20, एक बच्चे ने कहा 80, बिल्कुल सही जवाब, 20 सही आंसर है, कितने परसेंट रिड्यूस करना चाहिए 20%, तो क्या आ गया 20%, 19,920, यानी एक ये फायदा हो गया, एक ये फायदा हो गया, समझ रहे हो बात को। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो हमारा न्यू क्रेडिटर ये बचेंगे, तो ये कितने बच रहा है 49,800, इसको भी माइनस कर दो 7,96, तो न्यू क्रेडिटर जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें इन दोनों को जोड़ के दिख देंगे क्रेडिटर। और एंड जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिटर कम कितने का हो गया, 16,600 प्लस 19,920, तो यहां पे एंट्री मैं क्या करूंगा, एंट्री करूंगा जी क्रेडिटर 16,600 प्लस 19,920, दोनों को जोड़ने पे आता है 36,
520 टू रिकंस्ट्रक्शन, 36520। कोई समस्या, कोई दिक्कत समझ में आए? तो यहां पे आपको थोड़ा लग रहा होगा, देखो लैंग्वेज टफ नहीं है, समझने वाली बात है, ठीक है, समझने वाली बात है कि क्या कह रहा है। और इतने सारे क्वेश्चन है, 17-18 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आ जाएगा आपको, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ कर सकते हो, हाँ आप डायरेक्ट 75% तक रहेगा, 75 देखो जिसको जैसे लगेगा वैसे कर सकते हैं, मैंने आंसर तो बता दिया, आएगा वही आप। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। कहता है 20% स्टॉक इज एब्सोल्यूट इज सोल्ड एट अ 40% ऑफ बुक वैल्यू, मतलब स्टॉक की बात कर रहा है, स्टॉक लिख लेते हैं। सर स्टॉक है कितने का बताओ, इन्वेंट्री 210,000। कहता है जो ये 210,000 है इसमें से 20% यानी 42,000 खराब हो गए, बेकार, कूड़ा हो गया, लेकिन इस स्टॉक को भी हमने बेच दिया कूड़े के रेट में। और कितने रुपए का बेचा? कहता है कि 20% स्टॉक एब्सोल्यूट का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, खराब हो जाना, एंड इट्स सोल्ड 40% ऑफ बुक वैल्यू। तो ये बुक वैल्यू है, इट इज अ बुक वैल्यू, इसको सोल्ड कर दिया हमने कितने परसेंट पे, 40% पे। तो 40% पे अगर हम इसे बेचेंगे तो कितने का बिकेगा, सोल्ड कितने का होगा, 42,000, 40% 16,800। अब ध्यान से देखो, 42,000 का समान नुकसान हुआ ये बात मानते हैं, लेकिन उसमें 16,800 रिकवर भी तो हो गया, तो एक्चुअल नुकसान अगर मैं आपसे पूछूं तो एक्चुअल नुकसान हुआ 25,200 का। एग्री करते हो? देखो उसने कहा कि भाई इसमें से 20%, इसमें से कितने परसेंट खराब हो गए, तो मैंने निकाल लिया, तो इसमें से 20% खराब हुए तो कितने खराब हो गए, 42,000। लेकिन उस 42,000 को भी हमने बेच दिया कितने का, 16,800 को। तो एक्चुअल नुकसान अगर मैं आपसे पूछूं तो कितने का हुआ, 42 का क्या एक्चुअल नुकसान है? जी नहीं, उसमें 16,800 तो रिकवरी हो ही गई, तो एक्चुअल नुकसान आएगा आपका 25,200। अगर इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो 25,200। तो जनरल एंट्री तो हम करेंगे इसकी, तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट कितने का, 42 नहीं 25,200। बैंक डेबिट 16,800, क्योंकि बैंक में पैसा आया, टू स्टॉक चला गया, कितने का, 42,000 का। समझ में आई बात आपको? बताओ, देखो भाई किसी को डाउट है तो बता दो मुझे, दोबारा बताएं। चलो इसके बाद तो छोटी सी एंट्री लास्ट रहेगी, दोबारा देखिए क्वेश्चन में कहता है कि जी हमारे पास स्टॉक है, इस स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट कहता है कि 20% स्टॉक एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब है कि खराब हो गया, तो इसका अगर मैं 20% निकालूं तो होगा 42,000। लेकिन कहता है जो स्टॉक खराब हुआ है ना उसको भी बेच दिया उसने, उतने का तो नहीं बिका लेकिन थोड़े कम पे बिका है, तो कितने परसेंट पे बेचा है उसे, एट 40% पे सोल्ड किया है, तो इस 42,000 वाले सामान को बेचा है 16,800 का। तो इसका मतलब 42,000 का सामान बर्बाद हुआ मानते हैं, जिसमें से 16,800 तो रिकवर ही हो गए, तो फाइनली लॉस तो 25,200 का ही हुआ। दिमाग लगाओ, 25,200 का ही हुआ नुकसान। तो अब एंट्री करेंगे तो रिकंस्ट्रक्शन से नुकसान डेबिट हो गया कितने का, 25,200, और ये 16,800 का जब अगर आपने बेचा है तो इसके बदले आपको बैंक में पैसा नहीं आया होगा क्या, तो बैंक अकाउंट डेबिट 16,800, और आपका स्टॉक तो पूरा ही खत्म हो गया ना 42,000 का, तो क्रेडिट हो गया। समझ गए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया बिल्कुल। चलो आगे देखते हैं, अगले पॉइंट में कहता है गुडविल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस रिटर्न ऑफ, इसको आप क्या कर दो, रिटर्न ऑफ, यानी सभी को कर दो जीरो। तो सर इसकी जनरल एंट्री क्या करेंगे, सभी की जनरल एंट्री करेंगे हम यहां पे, रिकंस्ट्रक्शन पहले लिखेंगे, टू गुडविल, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस, और कुछ
और कुछ है? नहीं है, तो बताओ गुडविल कितने का है? कितने का है? 167 का तो गुडविल कम हो गया। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 25 ये, और प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस एसेट्स में दिखेगा आपको? नहीं, अगर माइनस में दे रखा है वो कितने? 353,000 टोटल कर दो यहां पे। और साथ के साथ क्या कहता है, इसी में कर देंगे एंट्री में हम कंबाइन, कहता है डेटर को भी 33,000 से प्रोविजन बना दो और फिक्स एसेट्स शुड बी अप्रिशिएटेड। फिक्स एसेट्स तो बढ़ गया है तो डेटर भी कम करो, तो यहां पे प्रोविजन बना देंगे। प्रोविजन कितने? 33,000। इन सबको एक बार टोटल करके मैच कर देंगे इससे। और फिक्स एसेट्स को जो कहता है ना अप्रिशिएट कर दो, तो फिक्स एसेट्स को अप्रिशिएट करने का मतलब पता है क्या हुआ? बढ़ गया। कितना आ रहा है? 578। बताओ इस एंट्री में किसी को डाउट? अगर क्वेश्चन में ये बातें नहीं कहता तब भी मैं ये करता, बस इस डेटर को छोड़ के पीएनएल राइट ऑफ करता, प्रिलिमिनरी को राइट ऑफ करता और गुडविल को भी राइट ऑफ करता, मेरे करना ही था ये पार्ट। तो बताइए, अभी ये पूरा एडजस्टमेंट डन नहीं हुआ। इसमें कहता है 10% हमारा क्या होगा, बिल्डिंग बढ़ जाएगा 10%, तो 10% बढ़ा दें। यहाँ एंट्री कर रहा हूँ मैं, एंट्री नंबर भी डाल देता हूँ, 1, 2, 3, कंफ्यूज ना हो जाओ। 4 के बाद ये 5 है ना, 5 नंबर, ये 6 नंबर है, ये 7 नंबर पे, 8वें नंबर का यहाँ कर रहा हूँ। क्या कहता है? बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गया। फिक्स एसेट्स है, बिल्डिंग है, फिक्स एसेट्स अप्रिशिएट हुआ तो फिक्स एसेट्स में सारा ही आ जाएगा जो भी होगा। तो एंट्री करेंगे फिक्स एसेट्स 2 रिकंस्ट्रक्शन। तो बताइए फिक्स एसेट्स कितने का है? 5,15,000 टोटल। 5,15,000 का 10% 51,000। बैलेंस शीट में चेक करिए जी, बैलेंस शीट में गिवन है 51,500 से बढ़ा दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। एक एंट्री और रह गया लास्ट, किसी को दिक्कत है तो बताइए। लास्ट कहता है रिकंस्ट्रक्शन का पेमेंट है, उस पेमेंट को करना है, सिंपल सही बात है, नुकसान टू बैंक कर देंगे। अभी देखते हैं, पहले यहां तक बताइए आप डाउट फाइनली। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक क्लियर है? लास्ट एंट्री क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ रिडक्शन पेड। अब ये रिकंस्ट्रक्शन जो करेगा, ये कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, कोई एडवोकेट करेगा, जिसको इसकी नॉलेज होगी आप भी कर सकते हो, अगर आपको अच्छे से नॉलेज हो जाती है तो आप अपनी फीस तो लोगे ना, तो कंपनी के लिए क्या होगा? कंपनी अगर आपको फीस देगी तो कंपनी के लिए नुकसान, तो कंपनी का बैंक कम हो जाएगा और कंपनी का नुकसान भी हो रहा है एक तरीके से, खर्चा। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, समझ रहे हो? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट बैंक। तो एक एंट्री और कर देते हैं, कहाँ कर दे एंट्री को? नहीं, यहाँ तो कर सकते हैं, दिख नहीं रहे, यहाँ कर दे। अरे हाँ, यहाँ तो बहुत जगह है। 9 नंबर क्या एंट्री होगा? रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू, सर इस जनरल एंट्री को देखने के बाद तो कोई भी नहीं कहेगा कि एक्सपेंस पेड है। कितने? 600। कितने अमाउंट बताओ? 16,800। इस जनरल एंट्री को देख के क्या कोई बोल सकता है कि जो यहां पेमेंट है वो खर्चे का है? कोई नहीं बोल सकता इसको देख के खर्चा कहां लिखा है, इसके बीइंग में लिखना है, बीइंग रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस पेड। चलिए डन हो गया आपका ये। मैं डाउट लूंगा अब आप सभी का, जिस जिसका लाइव क्लास में जितने बच्चे हैं बताइए फटाफट, डाउट है तो कमेंट में, और या फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिए बताइए फटाफट।